ही गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, क्या इंडियन गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ अप्रूवल दे चुका है बीजेएमआई को आगे प्रोग्रेस करने के लिए? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है। उसके साथ साथ आज हम लोग एक और गेम देखने वाले जिसके लिए शायद से बहुत लोग वेट कर रहे थे कि फाइनली UGW का गेम प्ले आ चुका है, क्योंकि UGW एक ऐसा गेम है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर आपको बीजेएमआई एंड पबजी वाला वाइब्स देने वाला था। फाइनली उसका गेम प्ले निकल के आ चुका है अल्फा टेस्ट का, और गेस व्हाट, ये गेम प्ले लिटरली आप सबको पसंद आने वाला है जो कि बीजेएमआई पबजी का गेम प्ले पसंद करते हैं। तो चलो आज के वीडियो में दोनों टॉपिक को पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीजेएमआई का। गाइस, आप सबको पता है कि बीजेएमआई अभी भी ट्रायल फेज में चल रहा है। 90 डेज का गवर्नमेंट इनको 90 डेज का टाइम दिया है, अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि हम लोग इंडिया के लिए सूटेबल है। तो आपको पता है वापस आने के बाद बीजेएमआई ने काफी सारा स्टेप लिया है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है 6 घंटे वाला रिस्ट्रिक्शन, वो सबसे मेजर चीज है जिसके चलते मुझे लगता है काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चेंजेस है, वो बोल सकते हो डेटा का लेवल से भी हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट देख ही रहे होंगे। और उसके साथ साथ अभी कुछ चीज़ें निकल कर आए, जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले मैं यूनियन मिनिस्टर का आपको इंटरव्यू दिखाया था, उसमें मैं आपको दिखाया था कि बीजेएमआई से रिलेटेड वो लोग अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और इससे कल बोल सकते हो पहला इंडिया का स्टेट जो कि ई स्पोर्ट एकेडमी लॉन्च किया, उसमें जो पहला गेम को इम्प्लीमेंट किया गया वो बीजेएमआई देखने को मिल रहा, जो कि बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं बट एमपी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया गया है, और फाइनली उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये खत्म होने वाला था 27th को। इसमें क्राइटेरिया ये था कि 12 से लेकर 17 साल के अंदर आपको होना होगा इसमें रजिस्टर करने के लिए। बाद में इसको 18+ कर दिया था केवल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल बंदे हम लोग जैसे उन लोग के लिए नहीं है। और इसमें जो 80% बंदे सेलेक्ट हो गए वो एमपी का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टेट वाला बोल सकते कॉम्पिटिशन है, ऑल ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इसलिए जो कैंडिडेट होंगे तो उसमें से 80% एमपी का ही बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा, और 20% बंदे कहीं से भी इंडिया के स्टेट में सिलेक्ट किया जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। ये कोई बोल सकते हो इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक एकेडमी है जिसमें जो स्टूडेंट्स होंगे या जो जो प्लेयर्स होंगे उसको ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ कैसे ई स्पोर्ट को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप फ्यूचर को आगे बढ़ा सकते हो ई स्पोर्ट में, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अभी आपको पता है इंडिया में ऐसा कुछ सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता। आपको पता है अलग अलग चीज़ों का एकेडमी आपको देखने को मिलता है, जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग होता है कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या कोर्सेस लेना है सो डैट आप आगे जाके अच्छा कैसे अचीव कर पाओ, बट ई स्पोर्ट का इंडिया में ऐसा कुछ खास आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलता था। बट फाइनली एमपी पहला स्टेट बन चुका है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एमपी पहला स्टेट बन चुका है इंडिया का जिसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाला है। और इसमें जो गेम इम्प्लीमेंट किया गया है वो बीजेएमआई, जी हाँ, ये स्टार्टिंग में भी बीजेएमआई से ही स्टार्ट होगा, बाद में अलग अलग गेम भी इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और बीजेएमआई से ही बंदे लोग को पहले सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से 80% बंदे जो स्टेट का है एमपी का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्टेट वाला प्रोग्राम है, और 20% बंदे ऑल ओवर द इंडिया कहीं से भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है मुझे तो लगता है। और गेस व्हाट, इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कल ही से स्टार्ट हुआ और ये 27 को ख़त्म होने वाला था, बट भाई एक दिन में ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक गया कि फॉर्म को बंद करना पड़ा। मुझे लगता है ये वापस खुल सकता है, नहीं तो भाई ये फॉर्म बंद हो चुका है, एप्लीकेशन बंद हो चुका है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी एप्लीकेशन बंद है, आप कहीं भी रजिस्टर नहीं कर सकते, बाद में अगर हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो एक दिन में पूरा सीट फुल हो गया है भाई जो कैंडिडेट्स है। और उसके साथ इसका जो टेस्टिंग है मतलब गेम प्लेस है वो स्टार्ट होने वाला 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के अंदर बहुत सारा गेम्स होगा, और उसी के बेसिस में जो अच्छा करेंगे उनको एकेडमी में लिया जाएगा, इवन स्कॉलर्स भी दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा चीज़ है ई स्पोर्ट के नज़र से, और उसके साथ साथ इंडिया में अगर गेमिंग बढ़ाना है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, इवन कैरी मिनाटी की तरफ से भी, क्योंकि उनके कंपनी के साथ ही कोलैब करके ये प्रोग्राम को लाया गया है। होप करते हैं फ्यूचर में और भी अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे ई स्पोर्ट को और आगे ग्रो करवाएंगे, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस अगर दोगे ना तो इंडिया से भी बहुत अच्छा टीम्स निकल सकता है। इंडिया के अंदर टैलेंट का कमी नहीं है, वो सब फील्ड में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो ई स्पोर्ट हो या कोई भी लेवल हो, बट प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाएगा ना, और इवन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो चीज़ और भी नेक्स्ट लेवल जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है और ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है बीजेएमआई यूज़र के लिए, क्योंकि बीजेएमआई को ही एज अ गेम यूज़ किया जा रहा है इसमें एंट्री दिलाने के लिए। तो लगता है गवर्नमेंट काफ़ी खुश है बीजेएमआई की तरफ से, जितना हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें देख रहे हो ये ऑफिशियल के तरफ से ही आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ रूमर्स है, आप खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हो।
तो अभी तक तो मुझे भी लगता है कि काफी ज्यादा हद तक विजयमैं अपना काम कर चुका है। जो चीज वापस आने के बाद लोगों को करना है, होपफुली कुछ और गड़बड़ ना हो और आपको गेम कंटिन्यूसली खेलने को मिले और आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ इंजॉय करने के लिए मिले। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज है, मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी फिलहाल के लिए बंद हो चुका है, इतना ज्यादा ट्रैफिक गया है। बट हो सकता है कि इसका सेकेंड फेज भी खुल जाए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सो डेट आप उसको यूज करके आप एंट्री ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पता है बीजा में खुद का भी ऑफिशियल टूर्नामेंट चालू हो चुका है द ग्राइंड, और ग्राइंड में आपको T1 टीयर्स का जो टीम से वो देखने को मिल रहा है। बट बहुत बंदे पूछ रहे थे कि भाई हम लोग कैसे उसमें एंट्री ले सकते हैं, टेंशन वाला कोई बात नहीं, 24 से मतलब मंडे से हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला, जो कि मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे आपको रजिस्टर करना है। आप सब अंडरडॉग्स इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो और आप अपना जो प्रोग्रेस है वो बढ़ा सकते हो, अच्छा खेल के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग के लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला 24th को, और जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं पूरा डिटेल वीडियो ला दूंगा सो डैट आप देख के आराम से रजिस्टर कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके साथ एक और बड़ा टूर्नामेंट बीजेएमआई में आपको देखने को मिल रहा है, वो बीजेएमआई मास्टर सीरीज सीजन 2। मास्टर सीरीज आपको नहीं पता, ये स्टार स्पोर्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये टीवी पे आता है। इसका सीजन 1 काफी नेक्स्ट लेवल था, काफी ज्यादा सक्सेस मिला था, और उसका जैसे सीजन 2 जैसे ही आने वाला था उस टाइम गेम पिछले साल बैंड हो गया था। ठीक है, बट फाइनली उसका सीजन 2 आने वाला है, 4th अगस्त से मास्टर सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इसमें टोटल 24 टीम्स रहने वाले, जो कि ऑब्वियसली Tier 1 के जो टीम्स होंगे वही रहने वाले इसमें। ये अंडरडॉग्स वाला टूर्नामेंट नहीं है, अंडरडॉग्स वाला टूर्नामेंट BGIS है, उसमें आपको रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है बीजेएमआई का जो टूर्नामेंट से वापस से रिज्यूम होते हुए बड़े बड़े लेवल में। लाइक इसका प्राइस पूल आप देख पा रहे हो BGIS का वो 2 करोड़ है, उसके साथ साथ ये बीजेएमआई मास्टर सीरीज का 2 करोड़ 10 लाख का प्राइस पूल है। भाई ये प्राइस पूल देख कर तो भाई शॉक हो जाओगे। तो ऐसे ऐसे प्राइस पूल अभी दिया जा रहा है, होपफुली ये गेम ऐसे ही करते रहे और आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो, सब कुछ क्राफ्टन फॉलो करें। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं सेकेंड गेम में, वो है UGW। तो फाइनली UGW ने अपना एक डेवलपर टॉक्स निकाला है काइंड ऑफ, और उसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया हुआ है रिलीज डेट से रिलेटेड। रिलीज डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के पहले मैं आपको पहले इसका गेम प्ले दिखाना चाहूंगा, जो कि ऑफिसर की तरफ से खुद दिखाया जा रहा है। यह मुझे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग गेम लग रहा है इंडिया के अंदर। इधर आप देखो केवल अल्फा टेस्ट में आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा, और ये देखने के बाद पूरा इंडियन वाइब्स आपको देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स भी अभी नेक्स्ट लेवल है, और ये फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है बट फिर भी मुझे ये काफी अच्छा इसका गेम प्ले लगा। अभी हम लोग रिलीज डेट की बात करते हैं, रिलीज डेट ये लोग कंप्लीटली क्लियर कर दिया कि जब तक ये लोग का अल्फा टेस्ट कंप्लीट नहीं होता, ये लोग सही से एकदम बोल सकते हो टेस्टिंग कंप्लीट नहीं कर देता, तो रिलीज डेट नहीं रिवील करने वाले। और ये लोग एक चीज मेक श्योर किया कि ये काफी जल्दी होने वाला है। तो हाँ, ये टेस्टिंग जब तक सही से नहीं होगा भाई, ये लोग फ्लॉप नहीं करवाना चाहते। ऑब्वियसली पास्ट में बहुत सारा ऐसा गेम है जो कि इंडियन के नाम से आया है बट जाके फ्लॉप हो गया, चाहे वो इंडस हो, माया नगरी हो, या बोल सकते UGW। ये कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, वो लोग प्रॉपर प्ले टेस्ट के साथ साथ लोगों का फीडबैक के साथ साथ उसको इम्प्रूवमेंट के साथ एक लॉन्च आपको देखने को मिलेगा। तो लेट से ही सही बट अच्छा अगर आपको प्रोडक्ट मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा मुझे इसका गेम प्ले लगा, और होप करते आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलो, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, इतना रखते वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।